वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है राम डाभी। हम यहाँ पर फोटोग्राफी एंड एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक के बारे में वीडियोस बनाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ अडोबे फोटोशॉप के बारे में। अडोबे फोटोशॉप में इस जून के मंथ में बहुत सारे न्यू अपडेट्स हो चुके हैं। कौन से न्यू अपडेट्स है सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अडोबे फोटोशॉप के अंदर न्यू अपडेट्स हो चुके हैं। कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स हो चुके हैं और ये जो अपडेट है ये बहुत ही खास अपडेट हो चुके हैं। आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको इसको यूज़ करने के लिए आपका जो अडोबे फोटोशॉप है इसे आपने एक बार अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट आप अडोबे क्रिएटिव क्लाउड में जाएंगे। कैमरा रॉ फिल्टर है इसे भी आपने अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कहाँ से करें, क्या इसको कहीं से डाउनलोड करना है या फिर किसी वेबसाइट में जाना है? तो किसी भी वेबसाइट में हमें जाना ज़रूरी नहीं है। आपके पीसी के अंदर अडोबे क्रिएटिव क्लाउड है जो कि 2 MB का एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल क्रोम में जाके। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉलेशन कर लीजिए। मेरा जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं एक लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अडोबे क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसे इंस्टॉलेशन करने के बाद इसे ओपन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर अडोबे अकाउंट लिखा है तो यहाँ पर जीमेल एड्रेस से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। सिंपल सा स्टेप है, बस आपने आईडी पासवर्ड डालना है और उसे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑल अपडेट्स में जाएंगे और यहाँ पर ऑल अपडेट्स कर देंगे तो आपके जितने भी अडोबे सॉफ्टवेयर होगी वो सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे। तो मैं सजेशन ये करूँगा कि आप यहाँ पर ऑल ऐप में चले जाएँ और यहाँ पर जाके यहाँ पर फोटोशॉप लिखा होगा न्यू अपडेट्स और यहाँ पर जाके आपने सिंपली अपडेट्स कर देना है। तो ये ओनली फोटोशॉप अपडेट होगा, कुछ 5-10 मिनट के बाद ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद आपने जो कैमरा रॉ फिल्टर है इसे भी एक बार अपडेट कर देना है। तो फोटोशॉप अपडेट करना है, इसके बाद कैमरा रॉ को भी अपडेट करना है, एक के बाद एक अपडेट कर देना है। तो देखिए चेंजिंग बहुत सारे हो चुके हैं। अगर मैं अपना जो फोटोशॉप को दिखाऊँ तो पहले जो आइकन था इसका कुछ अलग तरह का था, बट अब जो इसका आइकन है ये भी चेंज हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा ये दिखता है। देखिए इसका जो प्लस स्क्रीन है ये भी कुछ रिप्लेस हो चुका है, ये व्हाइट वाला आ गया। अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो अडोबे क्रिएटिव क्लाउड इसका भी आइकन चेंज हो चुका है। और जैसे ही ये मैं इसे ओपन किया तो आप यहाँ पर अगर टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 7 डे लेफ्ट। तो ये जो मैंने अपडेट किया है ये ओनली 7 डे के लिए चलेगा। तो अगर आप अपडेट करेंगे अपना पुराना फोटोशॉप तो वो 7 डे के लिए आपको ट्रायल वर्जन देंगे। 7 डे तक आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यू अपडेट वर्जन है, न्यू अपडेट टूल है, वो मेरा जो वर्क है इसमें कितने हेल्पफुल है या फिर इसमें उस टूल को यूज़ करके मैं कितना मेरा काम है इसे ईजी कर सकता हूँ और कितनी इसकी खासियत है, ये सारी चीज़ें आप 7 दिनों तक इसको देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो 7 डे के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा तो आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा या फिर अगर आप कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा अडोबे क्रिएटिव क्लाउड से। चलिए ये तो बात हो गई सब्सक्रिप्शन की, अब बात करते हैं इसका जो अपडेट टूल है वो कौन से है या फिर कौन से इसमें वर्क हो गए। पहला जो अपडेट है ये हुआ है पैटर्न में। तो देखिए पैटर्न मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। देखिए एक जो अपडेट किया है ये किया है पैटर्न में। पैटर्न में एंगल आप चेंज नहीं कर पाते थे या फिर उसे रोटेट नहीं कर पाते थे, अब क्या है कि ये जो न्यू अपडेट वर्जन में ये जो पैटर्न है इसको आप किसी भी तरह इसे रोटेट कर सकते हैं, एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल हम यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और इसके बाद ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद हम यहाँ पर पैटर्न यूज़ करेंगे। देखिए ये पैटर्न, अगर मैं ये पैटर्न आपको दिखाऊँ तो ये पैटर्न देख सकते हैं आप। अगर मैं इसका स्केल वगैरह बड़ा करूँ तो ये स्केल इसका बड़ा हो चुका है। अगर यहाँ से मैं इसका स्केल बढ़ा दूँ तो इसकी स्केल बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न में चेंज किया है ये वाला एंगल टूल, जो ये एंगल टूल से ये पिछले जो वर्जन है ओल्ड वर्जन इसमें हमें नहीं मिलता था, इसमें ये ऐड किया है। अगर आप इसको किसी भी तरह घुमाओगे तो उस तरह ये इसका एंगल है वो चेंज होगा। देखिए किसी भी तरह तो इसका रोटेट होगा। तो ये जो टूल है इसमें अब अपडेट कर दिया है न्यू टूल। देखिए किसी भी तरह अगर मैं इसको करता हूँ तो वो मुड़ेगा इसी तरह। किसी भी पैटर्न को आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी पैटर्न आप ले लीजिए, चाहे टेक्स्ट हो चाहे ग्रेस हो, तो किसी भी पैटर्न को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं सिंपली। बस आपने कुछ नहीं करना, ये जो एंगल है इसको आपने चेंज करते रहना है तो इसका एंगल है वो ऑलरेडी चेंज होता रहेगा। तो आपने इस यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस जो भी पैटर्न को आप यूज़ करना चाहते और जो भी एंगल में यूज़ करना चाहते उसे आप एंगल में यहाँ से चेंज करेंगे तो एंगल इसका चेंज होगा। तो इसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये जो एक टूल है ये यहाँ पर अपडेट कर दिया है।
दूसरा जो अपडेट किया है एक कैमरा रो में बहुत सारा अपडेट कर दिया है। चलिए मैंने एक इमेज ले लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कैमरा रो फिल्टर है इसमें क्या क्या चेंजिंग हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर फिल्टर में जाऊँगा, इसके बाद कैमरा रो। तो बिल्कुल जो मेरा कैमरा रो है ये ओपन हो चुका है। देखिए आप अगर यहाँ टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कैमरा रो 12.3। तो ये जो न्यू अपडेट वर्जन है इसमें अब 12.3 कर दिया है। और इसका जो पैटर्न आप अगर देखोगे तो ये पैटर्न मुझे तो बहुत ही पसंद आया। देखिए भैया बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है। पहले क्या होता था, जो हमारा कैमरा रो था पिछला वर्जन ओल्ड वर्जन, तो उसमें जो ये टॉप में कुछ मेनू था वो सारा मेनू अब यहाँ पर साइड में आ चुके हैं। तो ब्रश था, ग्रेडियंट था या रेडियल फिल्टर था, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर यहाँ से हटाकर ये साइड में आ चुकी है। जो आप प्रीसेट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर रेडियल फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ है, ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ है, या अगर ब्रश वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे साइड में मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना दिया है। अगर आप साइड में देखोगे तो ये जो मेनू टूल है ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम अडोबे लाइट रूम में देखते हैं, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर बना दिया गया है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बेसिक कर्व डिटेल एंड एक जो फंक्शन है न्यू कलर मिक्सर, ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये इसका क्या यूज़ है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें तीन सेक्शन है, यूज़ सेचुरेशन, तो तीन सेक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है और एक कलर मिक्सर भी ऐड कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एडजस्ट में क्लिक करूँ तो यहाँ पर SHL है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर मैं कलर करूँगा तो देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमें लाइट रूम में देखने को मिलता था, या फिर हम इसको यूज सेचुरेशन माइनस प्लस करते थे। अगर HL सिलेक्ट करूँगा इसके बाद यहाँ से मैं सेचुरेशन करूँगा और यहाँ पर देखिए ये जो मेरा इमेज है इसके अंदर रेड टोन है, अगर मैं यहाँ से ये वाला टोन रेड टोन अगर इसको बढ़ाऊँ तो ये बढ़ेगा और कम करो तो कम होगा। ठीक है, देखिए एक टूल यहाँ पर है टारगेट एडजस्टमेंट टूल, जिसे आप टी के मदद से भी एक्शन कर सकते हैं। जैसे आप टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे यहाँ देख सकते हैं आप टारगेट एडजस्टमेंट टूल, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरा जो एक पॉइंट है आप देख सकते हैं, मेरा जो पॉइंट है अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रेड कलर पर रखूँगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे की तरफ, तो बिल्कुल इसका जो कलर है सेचुरेशन वो कम होगा। देखिए अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये जो सेचुरेशन है वो बढ़ेगा। देखिए जैसे मैंने इसको अप किया तो इसका जो रेड टोन है वो बढ़ेगा। अब मैं दूसरा जो एग्जांपल है इसका, अगर मैं यूज में जाकर इसको माइनस प्लस करूँगा, इसको अगर अप करूँगा तो इसका जो यूज़ है वो बढ़ेगा। बट अगर मैं इसको यूज में जाके टारगेट टूल यूज़ करूँगा, ऑरेंज एंड रेड टोन ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे और माइनस प्लस होंगे। देखिए रेड टोन बढ़ेगा तो जो येलो टोन है ये कम होगा। देखिए जैसे मैं ये अगर टारगेट टूल यूज़ करता हूँ HSL में जाके, देखिए बैकग्राउंड में, इसके बाद मैं इसको माइनस करूँगा तो इसका यूज सेचुरेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा। वैसे ही मैं अगर सेचुरेशन में चला जाऊँ, देखिए यहाँ से बैकग्राउंड का कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इसका जो कलर है वो चेंज होगी। देखिए बिल्कुल। अब दूसरा जो इसका यूज़ है, देखिए अगर मैं इसमें सेचुरेशन में चला जाऊंगा और टारगेट टूल यूज़ करूंगा, ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है ये मुझे रिम्यू कर देना है, और ये जो मेरा पिक्चर से ये जो मेरा फोटो है उसमें ओनली रेड टोन ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो टारगेट टूल है इसे क्लिक करूँगा, इसके बाद ये बैकग्राउंड वाला कलर है इसमें क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक कर दूँगा और टारगेट करूँगा, ये बैकग्राउंड वाला कलर है इसको मैं माइनस कर दूँगा। देखिए जैसे मैंने बैकग्राउंड वाला कलर माइनस कर दिया, मतलब येलो टोन को माइनस कर दिया, तो देखिए जो मेरा फोटोज़ है वो ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, और जो मुझे रेड टोन चाहिए ओनली तो वो सिलेक्ट होके ओनली एक टोन में आ चुका है। पहले हमें अगर इसी तरह का इमेज बनाना था तो क्या करते थे, हम इमेज को कॉपी करते थे, इसके बाद इसके ऊपर मास्क लगाते थे, फिर इरेजर से हम जो रेड टोन है इसे इसके ऊपर पेंट करते थे, तो उसके बाद इस वाला हमें इफेक्ट मिलता था। बट यहाँ पर जो ये इफेक्ट है ओनली 30 सेकंड के अंदर ही मिल गया। जैसे मैंने जो बैकग्राउंड का कलर है इसे माइनस किया तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर फिर से मैं इसको अप करूँगा तो ये जो टोन है ये फिर से आ जाएगा। देखिए अगर इस साड़ी का टोन मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये साड़ी का टोन कम हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली अप करूँगा। ये टारगेट टूल से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अगर इसको मैंने यूज़ किया, देखिए जैसे कि मैंने इसका माइनस कर दिया और ये वाली इफेक्ट मैंने कर दिए, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर साइड में देखेंगे तो आपको एक आईज का बटन दिखाई देगा, इसे बोलते हैं बिफोर आफ्टर बटन। ठीक है, चलिए इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ओनली एक ही हाईलाइट है, बाकी का जो भी
टूल है इसके अंदर ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि मैंने ओनली जो ये कैमरा रॉ है इसके अंदर कलर मिक्सर के अंदर ही मैंने चेंजिंग किया है, इसलिए ये हाईलाइट हुआ है। दूसरे के अंदर मैंने कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं किया है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं है। देखिए सिंपल से अगर मैं बेसिक के अंदर जाके इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ये बढ़ा दूंगा तो अब के बार ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से माउस बटन रख के प्रेस करूँगा तो ये बिफोर आफ्टर हो जाएगा। देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अगर मैं इसको कलर मिक्सर को बिफोर आफ्टर देखना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से क्लिक करूँगा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो ये भी टूल बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ से देख सकते हो बिफोर आफ्टर, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पहले वाला, ये इसके बाद वाला। अगर आप इसको रिसेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस रखेंगे, जिससे आपने अल्टर प्रेस किया तो जितने भी टूल है सब में लिखा हुआ आ गया रिसेट बेसिक, रिसेट कर्व, रिसेट डिटेल, जितने भी टूल है सब में लिखा हुआ आ चुका है। अगर मान लीजिए मैं इस कलर मिक्सर है इसे रिसेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर टैप करूँगा तो ओनली ये जो कलर मिक्सर है वही एक रिसेट होगा, बाकी कुछ रिसेट नहीं होगा। तो जो भी आप फंक्शन में कुछ भी चेंजिंग वगैरह किया है अगर उसको रिसेट करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको ब्रश यूज़ करके दिखाऊँ, देखिए ब्रश में भी एक टूल ऐड कर दिया है, तो ब्रश को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए मैं इस साड़ी है इसको पेंट करता हूँ, देखिए जो साड़ी है इसको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ चुका है टूल, ठीक है, ये साड़ी को मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये जो मेरा कैमरा रो है ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो मैं पहले इसे यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ब्रश टूल यूज़ करूँ तो यहाँ पर ब्रश में क्लिक कर दूँगा, इसके बाद जैसे ब्रश ओपन हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले लूँगा। चलिए इसके बाद मैं जो इसका जो रेड टोन है साड़ी है इसको मैं पेंट करूँगा, ठीक है, यहाँ से इतना। चलिए मैं इसको इतना पेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यूज़ में जाऊँगा, देखिए यहाँ पर यूज़ कलर, अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा दूसरी कलर के तरफ तो ये वही कलर यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको पेंट कर दूँगा इसी तरह से, देखिए इसी तरह से अगर मैं ध्यान से पेंट कर दूँगा सारा एरिया तो ये वही कलर इसमें ऐड हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कलर का आप साड़ी वगैरह टोन चेंज करना चाहते हैं इसको सिंपली आपने पेंट करते रहना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए मैं बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको सिंपली बस बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो इसी तरह से आपने इसको ध्यान से एक बार इसको कर देना है। इसके बाद देखिए इसको मैं जिस तरह से भी मूव करूँगा वही कलर इसमें ऐड होगा। देखिए जो भी कलर को मैं यहाँ से करूँगा, अगर यूज़ फाइन एडजस्टमेंट कर दूँगा, यहाँ पर क्लिक लगा दूँगा तो आप देखिए इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो बहुत स्लो स्पीड में ये मूव होगा। देखिए स्लो स्पीड में ये अगर आप इस तरफ लाना चाहते तो बहुत स्लो स्लो आएगा, देखिए धीरे धीरे से आएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये फास्ट तरीके से आएगा, देखिए जैसे मैं हटा दिया तो ये फास्ट तरीके से मूव होता है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये स्लो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एडजस्टमेंट टूल है, मुझे बहुत ही पसंद आया। देखिए अगर ज़्यादा आप करना चाहते जो भी कलर को करना चाहते तो सिंपली आपने इसको पेंट करते रहना है तो वही कलर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे आप इसको पेंट करेंगे, ध्यान से पेंट करना आपको तो ये हो जाएगा। देखिए लिप्स का कलर मुझे चेंज करना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक और ले लूँगा। इसके बाद चलिए मैं इसका लिप्स का कलर चेंज करके देता हूँ, तो मैंने इसको जूम कर दिया। इसके बाद यहाँ से ब्रश टूल यूज़ किया और यहाँ पर मैंने सिंपली इसको थोड़ा स्लो कर दे, इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको पेंट किया, ठीक है। चलिए मैंने इसको पेंट किया, इसके बाद इसको अगर मैं यहाँ से मूव करूँगा तो इसका लिप्स का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए तो उसी तरह से मैं इसको ध्यान से बारीकी से पेंट कर दूँगा बिल्कुल पूरी तरह से, तो वही कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कर लूँगा तो ये थोड़ा देखिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको मूव करूँगा जिस तरफ तो वही कलर इसमें ऐड हो जाएगा, देखिए बिल्कुल वही कलर इसमें ऐड हो चुका है। देखिए जिस तरफ से मैं मूव करूँगा तो वही कलर इसमें ऐड होता जाएगा। सो सिंपली आपने जो भी कलर चाहे लिप्स में वही कलर में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वही कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इसके बाद अगर आप इसको नीचे जाएंगे तो बहुत सारे जो टूल है वो सेम टू सेम ही है, वैसे तो और कुछ टूल है वो सेम टू सेम है बिल्कुल। इसके बाद मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ये बिल्कुल वही फंक्शन आ जाएगा, बेसिक करेक्शन है। तो इसमें आप जैसा हमको मिलता था वैसा ही है, और इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें शैडो वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, वाइब्रेशन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फोटोग्राफ्स का। कैमरा रो के ऊपर डिटेलिंग में वीडियो में ध्यान से बनाऊंगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ये जो ओनली वीडियो है ये है अपडेट्स के बारे में, तो ये जैसे आप यहाँ से, और इसके बाद अगर आप प्रीसेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप यह प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हैं। पुराने अपने जो कैमरा रो के प्रीसेट है इसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिंपली आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पर
इंपोर्ट कर लेना है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं अपना प्री सेट कैमरा रो के, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो अगर आपके पुराने प्रीसेट हो गए तो वो भी सेम टू सेम वहाँ पर रहेंगे, वो रिमूव नहीं होंगे। तो ज़्यादातर जो चेंजिंग है ये इसने कैमरा रो के अंदर किया है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स क्या है, यहाँ से आप अपने जो इमेज है, इस देखिए गोप्रो में अगर आप फोटो खींचते हैं तो कैसा होता है, उस तरह का अगर आप इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में कर सकते हैं। तो ये टूल भी यहाँ पर एक अवेलेबल कर दिया है। इसके बाद दूसरा जो टूल है ये है गैमेट्री। यहाँ पर देखिए गैमेट्री टूल यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है, तो इसका भी वर्टिकल ओरिजेंटल जो भी आप इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं अपनी फोटो को, वो यहाँ से देख सकते हैं। 3D एनिमेशन की टाइप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसको मोड़ना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये गैमेट्री से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिसेट करना चाहूँ तो मैं अल्टर प्रेस करूँगा और गैमेट्री के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिसेट हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्टिकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिसेट हो जाएगा। सिंपली टूल है, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। बाकी जो टूल है वो सेम टू सेम है जैसे हमारे पुराने ओल्ड वर्जन में थे। ये जो है इफेक्ट, इसके बाद कैमरा कलेब्रेशन, तो ये भी सेम टू सेम वही है जो पहले हुआ करता था। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया है, ये सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आप यहाँ से ऑटो वगैरह यहाँ कर सकते हैं, वाइट बैलेंस वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर प्रीसेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो वो प्रीसेट आप कुछ जो प्रीसेट होंगे वो आपको ब्लैक एंड वाइट वाले वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो या इसे यूज़ कर सकते हो। अगर इसको स्मॉल साइज़ में करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आपने क्लिक कर देना है तो ये स्मॉल साइज़ में हो जाएगा। अगर फिर से आप क्लिक करोगे तो ये फुल साइज़ में हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको बिफोर आफ्टर यहाँ से देख सकते हो कि पहले वाला इसके बाद वाला। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ कैमरा रो के अंदर न्यू अपडेट्स, तो मैंने आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दे दी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।